आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलसीएम के बारे में कि आखिर एलसीएम कैसे किया जाता है और जानेंगे हम लोग कि आखिर एलसीएम है क्या, एलसीएम किसे कहते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम आखिर कैसे किया जाता है। सपोज मान लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं क्या लिए, 3 लिए, 4 लिए और 6 लिए। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से देते हैं, तो सबसे पहले अगर 2 से देंगे तो यहां पर 3 का 3 रह जाएगा, सबसे छोटा नंबर से दिया जाता है तो 2 सबसे छोटा है तो 2 2 जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 3 जो 6 हो जाएगा। फिर किससे देंगे, फिर यहां पर 2 बच जा रहा है तो फिर से अगर 2 से देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा, यहां पर 2 1 जो 2 हो जाएगा, यहां पर 3 का 3 हो जाएगा। फिर अगर किससे देंगे, 3 से देंगे तो यहां पर 3 से अगर देते हैं तो 3 1 जो 3 यहां पर 1, यहां पर 3 1 जो 3। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम इसको दे दिए, क्या हो गया हम लोग कंप्लीट हो गया। अब अगर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर यहां पर जो आया है हम लोगों का नंबर 2 × 2 × 3, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 = 4, 4 3 = क्या हो जाएगा, 4 3 = 12। तो इस प्रकार से 3 4 और 6 का क्या निकला, 3 4 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम बोलेंगे तो क्या निकला, 12 निकला। जो कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कोई भी ऐसे नंबर रहेगा उसको इस प्रकार से बना सकते हैं, उसके एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हो गया एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर हम बोलेंगे कि आखिर एलसीएम है क्या, एलसीएम किसे कहते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे। अब देखिए क्या है एलसीएम, एलसीएम अगर बोलेंगे तो एलसीएम मींस क्या होता है, एलसीएम। अब एलसीएम किसको कहा जाता है, जैसे कि ये एल है, एल फॉर क्या होता है, एल फॉर होता है लोएस्ट, एल ओ डब्ल्यू ई एस टी, ये हो गया लोएस्ट। उसके बाद सी फॉर क्या होता है, सी फॉर कॉमन, सी ओ डबल एम ई एन, क्या होता है, सी फॉर कॉमन। उसके बाद एम, एम फॉर क्या होता है, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, यानी एम यू एल टी आई पी एल वाई, ये हो गया हम लोग का इसका फुल फॉर्म। यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब अगर बोलेंगे इसको कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई तो बोल दे, अब इसको कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि इसको कैसे समझेंगे, तो इसको एग्जांपल के थ्रू से अगर समझेंगे, जैसे कि हम लोग क्या 3 4 6 का हम लोग एलसीएम क्या निकाले, 12 निकाले। तो अगर इसको हम लोग टेबल के हिसाब से अगर देखेंगे, जैसे कि 3 है, अब मान लेते हैं 3 का टेबल, अगर 3 का टेबल हम लोग अगर लिखेंगे 3 1 जो 3, 3 2 जो क्या हो जाएगा 6, 3 3 जो क्या हो जाएगा 9, 3 4 जो 12, ये तो हो गया हम लोग का टेबल। अगर हम बोलेंगे कि 3 का टेबल लिख लिए, उसके बाद 4 का टेबल लिख लिए, 6 का टेबल लिख लिए, अब इसके थ्रू से हम लोग समझते हैं कि आखिर एलसीएम है क्या। अब देखिए यहां पर क्या चीज है, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 3 का टेबल में और 4 का टेबल में और 6 का टेबल में कॉमन क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे यहां पर 6 है, 6 में क्या है, 6 में 12 है, तो यहां पर सबसे पहले 6 से 6 के बाद क्या है, 12 है, तो 12 के इसमें है, तो यहां पर भी देखिए यहां पर 12 है, तो यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है, तो इन तीनों में क्या कॉमन आया, 12 कॉमन आया। अब अगर बोलेंगे इसके बाद और कौन सा नंबर कॉमन आता है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर 24 है, यहां पर भी 24 है और यहां पर भी 24 है, तो इसमें क्या है, 24 कॉमन है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो और इसमें नंबर है नहीं जो कि कॉमन आता है। तो यहां पर एक चीज समझना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहां पर सबसे पहले जब हम लोग कॉमन लिए सब नंबर का, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर क्या 12 और 24 का है, यानी कि 12 और 24 का है, 12 और 24 दोनों कॉमन है, लेकिन यहां पर देखा जाता है लोएस्ट, लोएस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम क्या है, 12 है, तो 3 4 और 6 का सबसे कॉमन मतलब सबसे कम वाला क्या है, सबसे लोएस्ट क्या है, 12 है, 24 तो बड़ा हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3 4 6 का जो 12 आया है, ये इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि ये इसका एलसीएम है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर, कोई भी ऐसा ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा, अगर उसका आप एलसीएम फाइंड करते हैं और अगर बोलेंगे एलसीएम इस ये से बनाइए, तो आप क्या बोल सकते हैं, जो सबसे कम होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसी को बोला जाता है एलसीएम, किसी भी नंबर का जब आप एलसीएम निकालेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो काफी समझ में आ ही गया होगा आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।